ऐसा सिर्फ सेक्सुअलिटी के साथ ही नहीं, कई और चीजें हैं जो आप इस तरह करते हैं। शारीरिक संबंध ऐसी चीज है जिसमें बड़ी मात्रा में मेमोरी एक से दूसरे में ली जाती है। सवाल यह है कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता इस जीवन को एक उच्च संभावना तक पहुंचाना है तो आपको जागरूक होना चाहिए। अगर आप किसी तरह जीवन जीकर चले जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पाप है वो पाप है। लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नमक नहीं देते, आप ये जानते हैं। यहाँ भी अगर कोई आपको नमक देता है आप कहते हैं प्लीज उसे वहां रख दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेमोरी को बाकी चीजों से बेहतर संचारित करती हैं। नमक, तिल, नींबू, इसी तरह अगर आप देते हैं, पारंपरिक लोग कहेंगे उसे वहां रख दो मैं ले लूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ ऋणानुबंध विकसित हो। आमतौर पर जीवन की अवधि लगभग 84 साल या चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर मानी जाती है। चंद्रमा के चक्र और हमारा शरीर सीधे सीधे जुड़े हैं, क्योंकि हमारी माओ के शरीर चंद्रमा के चक्रों के तालमेल में थे इसलिए हम पैदा हुए, वरना हम पैदा नहीं होते, है ना। अगर आप लोगों की पुरानी पीढ़ी को देखें, अगर आप उनसे हाथ मिलाना चाहें वो इस तरह करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ऋणानुबंध नहीं चाहते। सद्गुरु, कोई व्यक्ति एक रिश्ते में किसी के लिए समर्पित कैसे रह सकता है? क्या यह स्वाभाविक है कि किसी से प्यार करते हुए भी दूसरों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो? इसका सही तरीका क्या है या इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? देखिए, क्या आपको याद है कि आपकी पर दादी 10 पीढ़ियों पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है? नहीं, मगर आपकी नाक उनसे मिलती है। शरीर याद रखता है ना। शरीर 10 लाख साल पहले के आपके पूर्वजों को याद रखता है। तो आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं वो याददाश्त का एक ढेर है। देखिए, अब आप नेपाल से शिलोंग आए, आपने बहुत सारा मेघालय का खाना खाया, आपके नैन नक्श नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका शरीर याद रखता है कि आपकी जेनेटिक्स क्या है, चाहे कुछ भी हो। या आप मान लीजिए गाय का भोजन या कुत्ते का भोजन खाना शुरू कर देते हैं, आपका शरीर कंफ्यूज होकर कुत्ता या गाय नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसमें विकास संबंधी याददाश्त है। आप चाहे जो भी करें ये कभी कंफ्यूज नहीं होता, है ना। आप सोचने लग जाएं मैं एक कुत्ता हूं और उसकी तरह भौंकने लगें, फिर भी शरीर नहीं बदलेगा। मन से आप कर सकते हैं, पर शरीर में याददाश्त बहुत गहराई में होती है। तो ये पूरा शरीर जो आपके पास है मुख्य रूप से मेमोरी की एक समग्रता है। अगर ये मेमोरी की समग्रता को खो देता है तो आप देखेंगे कि ये कई सारी चीजों के प्रति नाजुक हो जाएगा। शरीर की प्रकृति ऐसी है कि कुछ भी जो आप एक खास स्तर की भागीदारी के साथ छूते हैं स्वाभाविक रूप से उस मेमोरी को स्टोर कर लेगा। मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक रूप से वो उस मेमोरी को स्टोर कर लेगा। पारंपरिक रूप से इस संस्कृति में हम इसे ऋणानुबंधा कहते हैं। आपने ऐसे शब्द के बारे में सुना है, ऋणानुबंध? इसका मतलब है शारीरिक मेमोरी जो आप इकट्ठा करते हैं। लोग क्यों, आप लोगों के साथ ये देखेंगे, मान लीजिए अपने घर में वो जाकर उसी जगह बैठते हैं। ये आमतौर पर बूढ़े लोगों के साथ आप देखेंगे कि वो जाकर एक ही जगह बैठना चाहते हैं, वो दूसरी जगह नहीं बैठेंगे। क्या आपने गौर किया है? यहां तक कि आपका कुत्ता वो आता है, अगर वो यहां बैठना चाहता है तो वो इसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा, उसे सूंघेगा, और बहुत खोजबीन के बाद वो उस एक जगह पर बैठ जाएगा। अगली बार आप उसे कहीं भगा दें वो आएगा, वो जाकर उसी जगह बैठ जाएगा, क्योंकि एक मेमोरी है। तो याददाश्त होती है, आप जहां भी बैठते, खड़े होते और जो भी छूते हैं उसमें याददाश्त होती है और हर समय आदान प्रदान होता है। आप नेपाल से आई हैं, भारत में भी ये काफी हद तक है, दक्षिण में बहुत मजबूती से है, उत्तर में ये शायद कमजोर पड़ गया है। लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नमक नहीं देते, आप ये जानते हैं। यहां भी अगर कोई आपको नमक देता है आप कहते हैं प्लीज उसे वहां रख दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मेमोरी को बाकी चीजों से बेहतर संचारित करती हैं। नमक, तिल, नींबू, इसी तरह अगर आप देते हैं, पारंपरिक लोग कहेंगे उसे वहां रख दो मैं ले लूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ ऋणानुबंध विकसित हो। अब भारत में अगर आप लोगों की पुरानी पीढ़ी को देखें, अगर आप उनसे हाथ मिलाना चाहें वो इस तरह करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ऋणानुबंध नहीं चाहते, क्योंकि इसका मकसद आपके शरीर की मेमोरी की समग्रता को इस तरह रखना है कि वो दूसरी चीजों के प्रति संवेदनशील ना हो, कि आप बहुत जुड़ा हुआ जीवन बन जाएं। अगर आप खुद को एक संभावना के लिए विकसित करना चाहते हैं
तो आपको याददाश्त की समग्रता को बरकरार रखना होगा। ऋणानुबंध का मतलब यही है, आप अपनी शारीरिक मेमोरी को कम से कम रखते हैं। शारीरिक संबंध ऐसी चीज है जिसमें बड़ी मात्रा में मेमोरी एक से दूसरे में ली जाती है। तो हमेशा इस समाज में नहीं बाकी हर कहीं हमेशा से लोगों ने उस मेमोरी को कम से कम रखने के फायदे देखे। अगर आप उस मेमोरी को बहुत जटिल बना दें तो आप देखेंगे कि आराम से होना कुछ समय बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुख जरूर होगा मगर आपके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी। आप लोगों पर ध्यान दे सकते हैं, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। आप लोगों को ध्यान से देखिए, उन्हें सुख मिलेगा, वो हर समय खिलखिलाते रहेंगे, मगर आप उन्हें गौर से देखिए, उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, सहजता नहीं है, क्योंकि सहजता ज्यादा मेमोरी की वजह से चली जाएगी। ऐसा सिर्फ सेक्सुअलिटी के साथ ही नहीं, कई और चीजें हैं जो आप इस तरह करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी खास पल आप किसी के करीब महसूस करते हैं तो आप उन्हें गले लगाते हैं। ऐसा है कि हर समय आपको लोगों को छूना है, क्योंकि आज के मनोवैज्ञानिक इन चीजों का विश्लेषण करके बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में उनकी माँ और माता पिता ने उन्हें पर्याप्त नहीं छुआ। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो हर समय किसी न किसी को छूने के लिए तरसते रहते हैं। इन सभी चीजों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। कितना शारीरिक संपर्क हुआ जब बच्चा पैदा हुआ ये तय करेगा कि वो बाद में कितने शारीरिक संपर्क की चाह करेंगे। और एक शिशु अपनी माँ से कितनी मेमोरी ग्रहण करता है उस समय, क्योंकि जब तक एक बच्चा 4.5 साल का नहीं हो जाता, कई रूपों में ऊर्जा की दृष्टि से वो एक अलग जीव नहीं है, वो अब भी माँ के शरीर से जुड़ा है। असल में अगर लोग प्रकृति के अनुसार चलें तो उस समय तक उन्हें माँ का दूध पीना चाहिए और 4.5 साल तक जुड़े रहना चाहिए। प्राकृतिक रूप से ऐसा ही था। तब ऊर्जा मच्योर नहीं होती, उस समय अधिक से अधिक मेमोरी जो आप अपनी माँ से पाते हैं ये और भी बेहतर होता है इसे मजबूत करने के लिए। मगर एक बार बच्चा बाहर जाने लगता है और एक अलग इंसान बन जाता है, जीवन खुद को व्यवस्थित करता है। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, सदगुरु क्या आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या आप मेरे बेटे को आशीर्वाद दे सकते हैं। सबसे पहले मैं पूछता हूँ क्या उम्र है। अगर वो कहते हैं 15, 16, 18, ठीक है। अगर वो 21 से ऊपर होते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मेरा आपको आशीर्वाद देना आशीर्वाद आपके बच्चे तक नहीं जाएगा। आप भावुक होकर सोच सकते हैं वो मेरा बच्चा है, मगर जहां तक जीवन का संबंध है वो पूरी तरह अलग हो चुका है। आमतौर पर जीवन की अवधि लगभग 84 साल या चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर मानी जाती है। चंद्रमा के चक्र और हमारा शरीर सीधे सीधे जुड़े हैं, क्योंकि हमारी माओ के शरीर चंद्रमा के चक्रों के तालमेल में थे इसलिए हम पैदा हुए, वरना हम पैदा नहीं होते, है ना। एक पूर्ण जीवन चंद्रमा के 1008 चक्रों के बराबर माना जाता है, जिसे लगभग 83 से 84 साल मानते हैं। तो अगर कोई 84 पार कर लेता है उसे एक पूर्ण जीवन माना जाता है। इसमें पहली तिमाही ही एकमात्र समय है जब वो अपने माँ बाप से जुड़ा होता है, उसके बाद बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की दृष्टि से आप उन दोनों जीवन को जोड़ नहीं सकते, तो उसी समय लालसा होती है। अगर आपने अपने अंदर जरूरी समग्रता नहीं बनाई है तो दूसरे शरीर की चाह बढ़ जाती है। हालांकि हार्मोन्स का समय 15 से 20 के बीच सबसे ज्यादा होता है, किसी के साथ जुड़ने की चाहत 21 साल की उम्र के बाद बढ़ती है, क्योंकि अनजाने में आप एक सैटेलाइट की तरह हैं जो मेन मदर से दूर हो गया, आप मदरबोर्ड से अलग हो गए। अब आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं जब तक कि आपको थोड़ी समग्रता ना मिल जाए। इसीलिए 12 से 18 साल के बीच शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत साधना करनी चाहिए, ताकि आप बेतहाशा किसी चीज या किसी व्यक्ति से खुद को ना बांध लें। आपको जागरूकता में अगर आप एक साथी बनाना चाहते हैं तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो मजबूरी में होने वाली प्रक्रिया है फिर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पाप है वो पाप है। सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता इस जीवन को एक उच्च संभावना तक पहुंचाना है तो आपको जागरूक होना चाहिए। अगर आप किसी तरह जीवन जीकर चले जाना चाहते हैं तो ठीक है।